हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त अशोक मेहता मोटिवेशनल स्पीकर आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने आया हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है और हम क्यों बोल रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन 1959 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय जे वैन एंडल एंड रिच डिवोर्स इन यू उन लोगों ने देखा कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तीस परसेंट आती है और उसके बाद पंद्रह परसेंट कॉस्ट सी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूटर पंद्रह परसेंट होल दस परसेंट रिटेलर थर्टी परसेंट ये सारी कॉस्ट कौन पे करता है कस्टमर पे करता है अब उनके दिमाग में आइडिया आया कि ये जो पैसा है बीच का सत्तर परसेंट इसमें आम आदमी का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है और ना आम आदमी को कुछ मिलता है कस्टमर को तो उतना ही पैसा पे करना ही पड़ता है तो और ये कैसे इसको बाईपास करके हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे उसका आम आदमी को रोज़गार भी मिले और उनको फ़ायदा भी हो तो उन्होंने ये 1959 में शुरू किया दो दोस्तों ने जिनका नाम था जे वैन एंडल एंड रिच डिवोस यूएसए के अंदर अब हम बात करते हैं इंडिया की इंडिया में पहले सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री का बूम आया उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई और उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया बहुत कंपनी आई बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली उसके बाद जो बूम आया वो आया प्रॉपर्टी एंड रियल इस्टेट बिजनेस में जिसके अंदर बहुत मकान बिके बहुत मकान का प्रीमियम लिया लोगों ने एक मकान को लेकर दूसरा मकान बेचा उस तरीके से बिजनेस किया नाउ इट्स टाइम फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू गेट बूस्ट इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में बूस्ट आने वाला है बहुत ज़्यादा बुस आने वाला जैसा कि डेटा शो कर रहा है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डब्ल्यू एफ डी एस ए बेस्ड इन यू उनकी रिपोर्ट यह कहती है 2017 की कि टोटल टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का जो 2017 में था वो 13 लाख करोड़ था उसमें से इंडिया का जो टर्नओवर था दस हज़ार पाँच सौ इक्यानवे करोड़ था 2017 में जो इंक्रीज होकर 13000 करोड़ हो गया 2019 में उनकी सेम रिपोर्ट यह कहती है कि उस वक्त जितने लोग काम कर रहे थे वर्ल्ड वाइड वो ग्यारह करोड़ लोग थे जिसके अंदर इंडिया के इक्यावन लाख लोग 2017 में इस बिजनेस में जुड़े हुए थे जो बाद में इंक्रीज होकर सत्तावन लाख हो गए 2019 में आप सोचिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली ये सब पार्ट टाइम भी कर रहे होंगे फुल टाइम भी कर रहे होंगे लेकिन कितना बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने किया इंडिया के अंदर इंडिया की जो एक फिक्की एक संस्था है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इंडियन इंडस्ट्री को 2017 की रिपोर्ट है उनकी ये फिकी करती क्या है ये उन्नीस से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रही है इन्होंने के के साथ मिलकर दो में एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने ये प्रडिक्शन किया कि 2025 आते आते डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस इंडिया के अंदर चौंसठ करोड़ हो जाएगा और इसके साथ लोग जो जुड़ने वाले होंगे वो करीब करीब दो करोड़ हो जाएंगे आप सोचिए कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और इन लोगों में से 60 परसेंट फीमेल होंगी फीमेल की एक बहुत बड़ी आ, के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो होम मेकरस हैं अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड फीमेल हैं और ऑफकोर्स पार्ट टाइम हैं जो नौकरी भी करती हैं और पार्ट टाइम काम भी करती हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सिर्फ कैश का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते आप हमेशा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे नंबर एक का बिजनेस है पहले क्या होता था हम जॉब करते थे हमारे को बहुत सिक्योरिटी होती जॉब में लेकिन वो जॉब सिक्योरिटी इज़ द थिंग ऑफ पास्ट नाउ अब कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी जॉब में किसी बिजनेस में दिस इज़ द रीज़न पीपल आर टर्निंग टूअर्ड द सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ मिलती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी सिक्योरिटी है जो बिजनेस आपने तैयार कर लिया वो बिजनेस आपका हो गया उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आपने नेटवर्क तैयार कर लिया वो आपके लिए हो गया इसलिए ड्यू टू इन सिक्योरिटी इन जॉब्स एंड ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे ऊपर प्रेशर है क्योंकि सिक्योरिटी तो बिजनेस में भी नहीं है जॉब में भी नहीं है हमारे ऊपर प्रेशर है कि सोर्स ऑफ सेकेंड इनकम तैयार किया जाए ताकि अगर एक बार जॉब छूट जाए या बिजनेस में फ़ायदा ना हो नुकसान हो जाए तो हमारे पास दूसरी इनकम होनी चाहिए घर चलाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है आज के सिनेरियो में आज की सिचुएशन ये बताती है नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दैन दिस इज द राइट टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप इसको करें लेकिन अब वो कैसे करना आपने वट इज़ द कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च होने जा रही है 11 नवंबर को मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट से बहुत सारा सामान खरीदते हैं बहुत सारी ज़रूरत का सामान होता है जो हम लेते हैं वहाँ से लेकिन ई e कॉमर्स जो बिज़नेस कर रही हैं अमेजान फ्लिपकार्ट इसके अंदर और जो कंपनी लॉन्च होने जा रही है उसके अंदर क्या फ़र्क है पहला फ़र्क अगर बताऊं तो फ्री रजिस्ट्रेशन तो दोनों में है आपको ना उसमें कोई पैसा देना है ना इसमें कोई पैसा देना है लेकिन जो सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बताया है शॉपिंग विद बिजनेस प्लान आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं उस वेबसाइट से वो एक प्लान भी आपको साथ में देती है जो कि अमेज़ोन फ्लिप कोट फ्लिपकार्ट नहीं देती है इसके बाद अगर आप कोई सामान लेते हैं हेल्थ केयर का लेते हैं स्किन केयर का लेते हैं कोई लिक्विड लेते हैं कोई शैम्पू लेते हैं पच्चीस यूज़ करने के बाद भी अगर आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको हंड्रेड परसेंट मनी बैक गारंटी है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं है वहां आपने सामान ले लिया और खोल लिया यूज़ कर लिया तो वापस नहीं कर सकते आप दूसरा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चलाती है खुद मैन्युफैक्चर करती है जबकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ये लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट थर्ड पार्टी से सामान लेके आपको देती है इनको कोई मतलब नहीं सामान कैसा जा रहा है आपने पैसा देना है और सामान लेना है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट या दूसरी वेबसाइट्स हैं इसके अंदर सामान खरीदेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होता है आपने जो अमाउंट लिखा है वो आपको देना ही है नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा और जो ख़रीदेगा उसको भी फायदा होगा क्योंकि एक आईडी जनरेट की जाती है जिसका नाम आप रेफ़र करते हैं वो सामान खरीदता है तब जब उसकी आईडी जनरेट हो जाती है और वो आईडी वर्ल्ड वाइड वन टाइम होती है वो वैलिड होती है और उसके बाद उसका कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है जबकि अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐसी वेबसाइट्स पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपने किसी को बोला कि ये पाँच हज़ार का मैंने सामान खरीदा बहुत अच्छा है तो वो वो जब आप सामान तो खरीद लेगा लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं है और उसको भी कोई फायदा नहीं है जो सामान जो रेट लिखा है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता उसको जबकि डायरेक्ट सेलिंग में यह डिस्काउंट मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है जब भी आप शॉपिंग करें या रेफ़र करें तो आपको फ़ायदा होगा लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट दूसरी वेबसाइट्स पर ई कॉमर्स में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हैं आपको अमेजौन से ख़रीद रहे हैं उसके चलते आपका पैसा लग ही रहा है जो पैसा आपका लेकिन इस बिज़नेस के अंदर आपको हमेशा कुछ परसेंटेज आप ख़रीदें या आपके साथ जिसको आपने रेफ़र किया वो ख़रीदें आपको ज़रूर फायदा होगा अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बिज़नेस को कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है कौन कौन कर सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 साल की उम्र के ऊपर कोई भी व्यक्ति मेल फीमेल इस बिज़नेस को कर सकता है आप फुल टाइम कर सकते हैं पार्ट टाइम कर सकते हैं आप एम्प्लॉइज़ हैं हाउस मेकर हैं स्टूडेंट्स हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं आप ये बिज़नेस कभी भी शुरू कर सकते हैं इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कोई लीगल लाइबिलिटीज़ नहीं है कोई ऑफिस नहीं खोलना है कोई लाइसेंस नहीं लेना है बिल्कुल ज़ीरो रिस्क है नुकसान होने का चांसेस ज़ीरो है इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए कोई कंप्लाइंस नहीं चाहिए सिर्फ दिन में एक से दो घंटे दो से तीन घंटे आपने काम करना है आपने कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है कोई ओवर हेड एक्सपेंसिस नहीं है कोई आपने स्टाफ नहीं रखना है घर से बैठ के काम करना है कोई ऑफिस नहीं चाहिए ना कोई मैन पावर चाहिए ऑनलाइन काम होना है आपके मोबाइल पे और लैपटॉप पे जो हम लोग सबके पास है हम घर में दो या तीन हज़ार की हर महीने शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन अमेजोन से दूसरी वेबसाइट से लेकिन हमें उससे कुछ नहीं मिलता है अब ये बिज़नेस शुरू आपने आपको पता लग गया कि कौन कर सकता है अब बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है इसको स्टार्ट करने के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड ई मेल मोबाइल नंबर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और जिसने आपको रेफ़र किया होगा वो आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट करेगा और आप काम करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों बताइए इससे आसान और क्या तरीका होगा कि आप किसी बिज़नेस को शुरू कर सकें आपके पास इंडिया के अंदर ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जो बिना पैसे के शुरू होता है लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है अगर आप मन लगा के शुरू करते हैं बिजनेस की तरह लेते हैं इसको तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता तीन से चार महीने अगर आपने लगातार अपने दो घंटे रोज के दिए तो समझ लीजिए आप जिंदगी भर के लिए अपने एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे कभी भी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और मैसे डिस्कस करें मेरी मेल आई पर मेल करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एक सोर्स ऑफ सेकेंड इनकम का फ़ायदा हो थैंक यू वेरी मच